हेलो स्टूडेंट्स, सो सेकंड सेशन ऑफ चैप्टर टू व्हिच इज़ रिलेटेड टू द कैपेसिटेंस इज टुडे वी आर स्टार्टिंग. सो टुडे वी विल फर्स्ट डिफाइन कैपेसिटर. कैपेसिटर, सो व्हाट इज़ द कैपेसिटर एंड वी विल डिफाइन कैपेसिटर. सो कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस व्हिच इज़ यूज्ड टू स्टोर द चार्ज. व्हाट इज़ दैट? इट इज़ अ सिस्टम. इट इज़ द सिस्टम which is used to store the charge. Store the charge. Okay, so that is the definition, a simpler one, but it will not accurately work for our examination. सो वट इज़ द एग्जैक्ट डेफिनेशन, वट विल बी द एग्जैक्ट डेफिनेशन, और जो हमारे लिए काम करेगी बोर्ड एग्जामिनेशन में वो कुछ इस तरीके से होगी. वैसे ये भी काम करती है, बट वो कुछ इस तरह, ये जनरल है. जैसे हमारे फ़ैन के ऊपर एक छोटा सा वाइट कलर का एक बॉक्स सा लगा रहता है, उसे हम कैपेसिटर कहते हैं. तो अभी जो है, हम फ़िलहाल जो है, हम दूसरी डेफिनेशन जो ज़्यादा फेमस होती है उसको देख लेते हैं एक बार, जिससे कि रिविज़न भी हो जाएगा हमारा और हमारी कनेक्टिविटी भी बढ़ जाएगी. तो कैपेसिटर कूलर में, पंखे में, मोटर में, उनके ऊपर एक छोटा सा गोल सा सिलेंड्रिकल एक पैकेट सा लगा रहता है. जैसे कि हम कह सकते हैं कि वो एक सिलेंड्रिकल वाइट कलर की सेल सी होती है. तो वो जो होती है वो कैपेसिटर होती है, और वो अपने अंदर क्या करती है, अपने सरफेस पर वो चार्ज स्टोर करती है. तो कैपेसिटर बेसिकली क्या करता है, वो दो कंडक्टर होते हैं जो सेपरेट होते हैं किसी एक इंसुलेटेड मीडियम के द्वारा. तो दैट इज़ यूज्ड फॉर द स्टोरिंग द चार्ज. स्टोरिंग द चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना. ओके, सो वी कैन डिफाइन कैपेसिटर एज ऑल्सो, वी कैन डिफाइन कैपेसिटर एज ऑल्सो. सो ए सिस्टम ऑफ TWO2 कंडक्टर्स, यानी कि जो उसकी वॉल्स होती हैं वो कंडक्टर्स की होती, कंडक्टर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटेड मीडियम. ओके, और पर्पज़ क्या होता है? दैट इज़ यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज और एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी. सो दैट इज़ व्हाट आवर डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटर. इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल देख लेते हैं, सिंबल ऑफ कैपेसिटर. बाकी तो हम इसको स्टडी किए हुए हैं, बट इसका सिंबल देख लेते हैं, सिंबल क्या होता है इसका. तो सिंबल इसका जो होता है वो होता है, ये तो होता है फिक्स्ड कैपेसिटर का सिंबल. ये टू पैरेलल प्लेट्स हो गई, ये तो जो प्लेट्स हैं जो यहाँ पर जो आपको दिख रही हैं, बेसिकली ये वाली जो है, ये प्लेट वन कहलाती है, जो होती है प्लेट वन होती है, और ये प्लेट टू होती है. तो ये सब बनी हुई होती है किसकी, कंडक्टर की. और इसके बीच में जो ये रेड कलर का जो पार्ट है, ये वाला जो हिस्सा होता है, ये होता है हमारा क्या होता है, ये कोई भी इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक. ओके, डाइलेक्ट्रिक को हम अपने अगले सेशन में पढ़ेंगे, या इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक. जो हमने अभी ऊपर डेफिनेशन लिखी है उसमें भी हमने यही लिखा है, आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, तो हमने डेफिनेशन में भी यही लिखा है. ये इंसुलेटेड मीडियम से क्या होता है, इसके बीच में होता है, किसमें, जो हमारी जो प्लेट्स होती हैं, जो हमारे जो कंडक्टर्स होते हैं उनके बीच में जो होता है. तो सेपरेटेड बाय इंसुलेटेड मीडियम, कौन, कंडक्टर्स. सो यही हमने सिंबल में दिखाने की कोशिश करी है. तो जो ये जो येलो कलर की जो इधर प्लेट्स दिख रही हैं आपको, ये प्लेट वन और प्लेट टू, ये किसकी बनी हुई है, ये कंडक्टर की बनी हुई है. ओके, और इनके बीच में जो ये वाला जो पोर्शन है, जो पोर्शन हम यहाँ पर अब एक और, यू कैन से दैट वी कैन यूज़ द स्काई ब्लू कलर फॉर इंडिकेटिंग दिस वन, इज़ हेयर. दिस इज़ द इंसुलेटेड मीडियम, और यू कैन से दैट इंसुलेटेड कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक. ओके, सो डाइलेक्ट्रिक विल बी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर वेरी डीपली, बिकॉज इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस. तो हम इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, फिलहाल हम कैपेसिटर की तरफ बढ़ते हैं. तो कैपेसिटर का एक और सिंबल होता है, वो सिंबल जो होता है कैपेसिटर का, वो कुछ ऐसा होता है, वो वेरिएबल कैपेसिटर के लिए होता है ये वाला. तो ये भी कैपेसिटर का एक सिंबल होता है. तो ये दोनों सिंबल होते हैं कैपेसिटर के, ठीक है.
ये दोनों के दोनों हमारे जो है सिंबल होते हैं। तो इन सिंबल से अलग अब हम देखते हैं हमारे सिलेबस में क्या क्या है। तो हमारे सिलेबस में टू टाइप के कैपेसिटर्स हैं, बेसिकली टू टाइप्स के कैपेसिटर्स हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, फर्स्ट है हमारा स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। और सेकेंड क्या है, सेकेंड है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर काफ़ी वाइड टॉपिक है और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को ही हमारे सिलेबस में ज़्यादा इसको स्टडी करना है, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में इसको ज़्यादा स्टडी करना है। स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में हम काफ़ी कुछ पहले ही पढ़ चुके हैं अपनी फर्स्ट वीडियो में, बस उतना ही काफ़ी है। बस इसके कुछ क्वेश्चन आएंगे वो हम लेटर ऑन डिस्कस कर लेंगे। तो अभी हम चलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरफ। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम उसमें देखते हैं। वैसे अगर देखें, चाहे ये वाला कैपेसिटर हो या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, दोनों किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो प्रिंसिपल देख लेते हैं बेसिकली इनका है क्या। सो प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर, किसी कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या होगा वो हम देख लेते हैं। सो दैट विल बी बेसिकली, फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन, पहले मैं तुम्हें उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर मैं उसको जो है बाद में उसको आप अपनी लैंग्वेज में उसको अपने हिसाब से ऐसे होमवर्क अपने हिसाब से उसको लिख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज़ गोइंग ऑन हियर। तो पहले तो हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना लेते हैं, पहले हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना लेते हैं। ये बन गया हमारा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। ये बन गया हमारा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें ये हमारी प्लेट वन हो गई, ये हमारी प्लेट टू हो गई। जो प्लेट वन है, इस प्लेट वन पर एक चार्ज आ रहा है, इधर से चार्ज आ रहा है। जो चार्ज आ रहा है वो पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज आने से इस प्लेट पर यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो गया। अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये तो जो मीडियम है बीच में क्या है, एक इंसुलेटिंग मीडियम है। अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और दूसरी जो प्लेट है वो नज़दीक रखी हुई है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा कि ये जो सामने वाली प्लेट है इस पर जो है एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, सामने वाली प्लेट पर नेगेटिव चार्ज क्यों आ जाएगा? हमने चैप्टर वन में एक फेनोमेना पढ़ा था जिसका नाम था इंडक्शन। क्या नाम था जिसका? इंडक्शन। तो ये जो चार्ज है ये बेसिकली कौन सा चार्ज है, नेगेटिव वाला जो चार्ज है प्लेट टू पर, प्लेट टू पर जो चार्ज है ये कौन सा चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज। और ये चार्ज है इंड्यूस्ड चार्ज। कौन सा चार्ज है? इंड्यूस्ड चार्ज। तो ये इंड्यूस्ड चार्ज कहलाता है जो कि इस पॉजिटिव चार्ज के बराबर वाली प्लेट में आने के कारण दूसरी प्लेट पर आया। अब दूसरी प्लेट पर चार्ज आने के कारण है तो ये दोनों प्लेट्स कंडक्टर की बनी हुई, तो इसको तो इधर से पॉजिटिव चार्ज मिला था, तो इसने अपने इधर और इधर दोनों तरफ अपना पॉजिटिव चार्ज, इधर तो है ही है पॉजिटिव चार्ज, इधर स्टोर कर लिया। बट इसका क्या होगा दूसरी तरफ, ये जो सामने वाला जो इंडक्शन वाला चार्ज है दूसरी साइड क्या होगा, इसके पास फिर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा यहाँ पर? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पर। अब इस पॉजिटिव चार्ज के यहाँ आ जाने की वजह से हमारा क्या होगा कि जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब पोटेंशियल इंक्रीज़ होना तो हमारे लिए थोड़ा सा देखें, अगर हम कंसंट्रेट करें तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है कैपेसिटेंस का, वो होता है सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो अगर पोटेंशियल ज़्यादा हो जाए, तो पोटेंशियल अगर ग्रेटर हो जाए तो हमारा कैपेसिटेंस रिड्यूस हो जाता है, बिकॉज ये हम कह सकते हैं कि इन्वर्सली रिलेशन में है। तो इफ़ द पोटेंशियल इज़ इंक्रीजेस देन द कैपेसिटेंस इज डिक्रीजेस। ड्यू टू दिस रीज़न एनी हाउ हमें कुछ ऐसी ट्रिक लगानी पड़ेगी कि हम इसका जो पोटेंशियल है, इस कैपेसिटर का पैरेलल प्लेट का जो पोटेंशियल है उसे हम रिड्यूस कर सकें, यानी कि ये मिनिमम हो सके। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो चार्ज यहाँ पर सेकेंड प्लेट पर इकट्ठा हुआ है पॉजिटिव वाला, ये पॉजिटिव वाले चार्ज को हम क्या कर देंगे कि इसको सेकंड प्लेट को हम कर देंगे ग्राउंड, सेकंड प्लेट को हम कर देंगे ग्राउंड। तो ग्राउंड हो जाने से या अर्थिंग हो जाने से हमारा क्या होगा, अर्थिंग एक फेनोमेना है जो हमारे जो चार्ज को अर्थ में भेजकर न्यूट्रलाइज कर देता है बेसिकली। तो ये जो चार्ज होगा, ये वाला जो चार्ज होगा जिसे हम बेसिकली कह रहे हैं कि हमारा पॉजिटिव चार्ज दूसरी प्लेट की तरफ जो इकट्ठा हो रहा है, ये वाला जो चार्ज है ये क्या होगा, पॉजिटिव वाला, सिर्फ ये वाला चार्ज पॉजिटिव वाला इधर से, क्योंकि इसको पाथ मिल जाएगा, वो अर्थ में जाकर एक तरीके से फिनिश हो जाएगा। अब इस फिनिश हो जाने के कारण क्या होगा कि हमारा जो चार्ज है, हमारा जो बेसिकली ये जो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ चार्ज था, इसके चले जाने से हमारा जो वी है वो बढ़ जाएगा, हमारा जो वी है वो बढ़ जाएगा। और वी बढ़ जाने के कारण हमारा क्या होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज सारा इस प्लेट से ख़त्म हो जाएगा।
पॉजिटिव चार्ज सारा इस प्लेट से ख़त्म हो जाएगा। तो हम देखते हैं जरा होगा क्या। अब हम वापस से इस पर कंसनट्रेट करते हैं, देखते हैं कि ये जो हमारी जो सेकेंड प्लेट है जिस पर अब सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज रह गया है, अब ये क्या होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से हमारा जो वी है, पोटेंशियल है, वो स्मॉलर हो जाएगा, और स्मॉलर होने की वजह से हमारा जो पर्पज़ था कैपेसिटेंस को हाई करना, वो हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो ड्यू टू दैट अर्थिंग हमारा जो इधर का जो चार्ज था जो इंडक्शन की वजह से आ रहा था, वो हमारा ग्राउंड हो गया, और ग्राउंड हो जाने के कारण इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप था वो एज इट इज़ रहा, और पोटेंशियल जो था वो डिक्रीज़ हो गया। पोटेंशियल डिक्रीज़ होने से हमारा जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। तो यही हमारा बेसिकली पर्पज़ था, और यही हमारा प्रिंसिपल भी है कि भाई हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है और जो हमने जो उसको ग्राउंड कर दिया, और उसकी वजह से क्या होगा कि हैंस जो प्लेट वन थी, और प्लेट जो कंसिडरेबली पोटेंशियल ऑफ प्लेट वन इज़ रिड्यूस्ड एंड कैपेसिटेंस ऑफ द प्लेट वन इज़ इंक्रीज्ड। तो ये हमारा बेसिकली क्या है, ये प्रिंसिपल है। तो ये आपको अपनी लैंग्वेज में बनाकर लिखना है और मुझसे इसको डिस्कस करना है। तो अगर आप दोबारा से देखें तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बेसिकली क्या है, दो पैरेलल प्लेट्स हैं जो कि कंडक्टर की बनी हुई हैं, ठीक है। ये प्लेट वन है और ये प्लेट टू है, इसके बीच में ये वाला जो जोन है इसमें हम कोई भी एक इंसुलेटर ले लेते हैं, इंसुलेटर फिल कर देते हैं। कैसे फिल करते हैं, ये एक टेक्नोलॉजी है, उसे हम आगे डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत उसके बारे में जानकारी लो। इसका सिंबल हमने पढ़ लिया है और इसका हमने प्रिंसिपल देख लिया है। अब जरा अगर हम देखें और इस डेफिनेशन को दोबारा से डिफ़ाइन करने की कोशिश करें, कैपेसिटेंस वाली डेफिनेशन को, तो हमारे पास कैसे बनती है डेफिनेशन वो हम देखते हैं। यही सेम डेफिनेशन कैसे बनती है कैपेसिटेंस की, तो कैपेसिटेंस को अब हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं ज़रा देखेंगे। सो कैपेसिटेंस जो होगा वो बेसिकली जिसका सिंबल सी होता है, वो हम कह सकते हैं कि रेशियो है हुए चार्ज स्टोर डिवाइड बाय उन प्लेट्स के बीच के पोटेंशियल के, जो कि एक कॉन्स्टेंट टर्म सी के बराबर है। तो क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर टू द पोटेंशियल डिफरेंस, टू द पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस ड्यू टू द चार्ज बिटवीन द प्लेट्स, ड्यू टू द चार्ज बिटवीन द प्लेट्स। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो बिटवीन द प्लेट्स को अब एक बार ज़रा पीछे डायग्राम में देखने की कोशिश करते हैं। तो ये प्लेट्स हैं हमारी वन और टू, और इन वन और टू प्लेट्स के बीच में यहाँ पर बेसिकली, यहाँ पर ये जो प्लेट्स हैं हमारी बेसिकली, यहाँ पर देखें तो ये प्लेट्स वन और ये प्लेट टू हो गई, इन दोनों के बीच में जो चार्ज स्टोर हुआ है उसकी वजह से हमारा जो कैपेसिटेंस है वो आता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कैपेसिटेंस का एक और डेफिनेशन, डेफिनेशन टर्म, फार्मूला बेस्ड डेफिनेशन जिसको हम कह सकते हैं, मैथमेटिकली एक्सप्रेस। अब इसका देखते हैं हम और क्या इसको रिलेट कर सकते हैं और फर्दर हम इसके लिए क्या प्रोसेस में अपना सकते हैं, देखते हैं जरा इसको एक बार और कि हम इसको कैसे आगे और एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे इसको आगे किस तरीके से होता है। तो देखते हैं जरा इसको अब आगे ये कैसे प्रोसीड करता है। तो अगर हमारे पास फार्मूला जो है वो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी है, जैसा कि हमने अभी प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस उसमें पढ़ा क्या है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। अगर हम इस फॉर्मूले में हम ये मान लें कि V इज इक्वल टू 1 वोल्ट होता है और हम इस फॉर्मूले में पुट कर दें, तो C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय 1 हो जाएगा, यानी कि 1 वोल्ट। तो हमारा जो चार्ज है वो 1 वोल्ट के लिए वो बराबर हो जाएगा कैपेसिटेंस के, क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस के। तो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन भी हम ऐसे बना सकते हैं न्यूमेरिकली, हम क्या कर सकते हैं, तो कैपेसिटेंस नोट कीजिएगा, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू द चार्ज रिक्वायर टू एस्टाब्लिश पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो देखेंगे जरा डेफिनेशन क्या है, इन दोनों प्लेट्स के बीच में अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस 1 रखना है, यानी कि 1 वोल्ट रखना है दोनों प्लेट्स के बीच में, प्लेट 1 और प्लेट 2 के बीच में, तो अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 1 अचीव हो जाता है तो इस पर जितना भी जो चार्ज स्टोर होगा प्लस और माइनस दोनों प्लेट्स पर, वो किसके बराबर हो जाएगा, C इज इक्वल टू क्यू के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारी एक डेफिनेशन, जैसा कि हमें पहले भी पता, हमने पहले भी सेशन बताया, कैपेसिटेंस की जो यूनिट होती है वो फेराड होती है, क्या होती है, फेराड, और इसका जो सिंबल होता है वो एफ होता है, माइकल फेराडे के नाम पर। तो ये रहा हमारा बेसिकली एक इंट्रोडक्शन, और हम कह सकते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एक स्टार्टिंग हो गई हमारी। अभी हम नेक्स्ट सेक्शन में जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे पैरेलल प्लेट के फॉर्मूले के बारे में, पैरेलल प्लेट के एक्सप्रेशन के बारे में, फॉर्मूले के बारे में, तो वो हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।